हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम जानने वाले बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं किस बात की देरी है, तो चलिए जानते हैं। तो उससे पहले जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, उसका डिफिनेशन। तो बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जो हमारे बॉडी के अंदर लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें लिविंग मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री हम जानते हैं, ठीक है। और एक बात और जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो टर्म होता है कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था, कब दिया था, 1903 में दिया था, ठीक है। आगे जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप का होना कंपलसरी होता है, उसके साथ साथ आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप का भी होना कंपलसरी होता है, ठीक है। या तो और जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तो 4 कैलोरी की एनर्जी हमको ऑप्टेन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का होना कंपलसरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, कीटोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कई तरह से क्लासीफाइज कर सकते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, जिसमें आपके केवल एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये भी कई तरह के हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड भी कई तरह के हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आगे चलिए जानते हैं मोनोसैकेराइड कितने तरह के हो सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड आपके कई तरह के हो सकते हैं, और उसके बारे में टाइप जानते हैं, और उसका एग्जांपल भी हम जानने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए आपका, पहला टाइप देखिए ट्रायोज। ट्रायोज ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उसका एग्जांपल ग्लिसरलडिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोज, जिसका एग्जांपल एरिथ्रोज और एथ्रोलोज है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जिसका एग्जांपल राइबोज और जाइलोज, जाइलोलोज, राइबोलोज, ये सब एग्जांपल हैं जो डीएनए बनाते हैं। हेक्सोज, जिसका एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज। हेप्टोज, जिसका एग्जांपल क्या है, डी सीडो हेप्टोलोज। ट्राइबोज में आपके 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। टेट्रोज 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। पेंटोज 5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हेक्सोज 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। और हेप्टोज आपके 7 कार्बन के कंपाउंड होते हैं जो मोनोसैकेराइड में आते हैं। और जानते हैं अगला ओलिगोसैकेराइड, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 या 3 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के होते हैं, डाईसैकेराइड और ट्राईसैकेराइड। डाईसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ट्राईसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, रेफिनोज है, जेंसियानोज है, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अगला क्लासिफाई करते हैं तो पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कई तरह के, मेनी टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के होते हैं, या तो होमोपॉलीसैकेराइड होगा, तो हेटरो पॉलीसैकेराइड होगा। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब उसमें केवल एक तरह के सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हेटरोपॉलीसैकेराइड में डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च है, डेक्सट्रिन है, एनुलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। और हेटरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड है, कोंड्रोइटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, और डर्माटिन सल्फेट एग्जांपल देख सकते हैं। और एक टर्म आता है रिड्यूसिंग शुगर, क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं सुक्रोज है, रेफिनोज है, एंजेंसियानोज है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे पहले जान लेते हैं एक और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए इस तरह होता है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर आपका इस तरह होता है, माल्टोज का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, आप देख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।